भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है। जापानी एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाइकन ने भारत में 1000 करोड़ तक का निवेश करने का लक्ष्य तय किया है। इस निवेश के तहत वह आंध्र प्रदेश के श्री शहर में 75 एकड़ में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाली है, जो अगस्त 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्लांट से वह 100% डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अपने एक्सपोर्ट को या निर्यात को 3 गुना बढ़ाना चाहती है। साथ ही 2025 तक वह अपना निर्यात 30 देशों से बढ़ाकर 100 देशों तक करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के चलते आने वाले 10 सालों में एयर कंडीशनर की डिमांड 10 गुना बढ़ने वाली है। इसी के साथ भारत सरकार द्वारा दिए गए पीएलआई इंसेंटिव्स के चलते डाइकन जैसे कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चीन से इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। इस नए प्लांट के चलते डाइकन के 2 सबसे बड़े निर्यात बाजार अमेरिका और यूरोप के बीच की दूरी भी कम होगी। साथ ही हिंद महासागर के मध्य में होने के कारण डाइकन अपने नए निर्यात बाजार जैसे अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया पर भी टारगेट करेगा। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे। तब तक के लिए आपके अपने चैनल इंडियन जियोपॉलिटिक्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।